सभी को नमस्ते। तो गाइस दिस ईयर देयर इज अ बिग चेंज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द परसेंटेज कैलकुलेशन क्राइटेरिया फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स व्हिच हैज नेवर बीन सीन बिफोर। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आपका बेस्ट ऑफ फोर कैलकुलेशन का क्राइटेरिया चेंज हुआ है 2019 एडमिशन के लिए बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, और वीडियो के एंड में मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे इसका कट ऑफ के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाने वाला है हमारे नए क्राइटेरिया का। तो भाई लेट्स स्टार्ट। तो गाइज वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ ऑक्सफोर्ड कैप्स प्रेजेंट्स ड्यू चाचा। आपको हमारे बचे कुछ एपिसोड्स के जो लिंक है वो नीचे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो दिल्ली से बाहर लोकेटेड हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके हॉस्टल या पीजी में रहने का प्लान कर रहे हो तो आपको वीडियो के एंड में एक काफ़ी मैं काम की चीज़ बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ बीकॉम ऑनर्स का कैसे है बेस्ट ऑफ फोर कैलकुलेशन का क्राइटेरिया प्लस चेंज क्या आया है इस ईयर। देखो यार, इस साल जो सबसे मेजर चेंज है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और ये मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन से फोटोज क्लिक करी हैं, तो ऐसा नहीं है कुछ ये अनऑफिशियल या अनऑथेंटिकेटेड प्लेस से उठाई गई हैं। तो सबसे पहला चेंज और जो सबसे बड़ा चेंज है जो कभी नहीं देखा गया, 50% आपके होने चाहिए, यानी 50 मार्क्स या 50% से आपके ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए आपके मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में क्लास ट्वेल्थ में। बहुत बच्चे मुझसे यहाँ पे पूछते हैं मैथ्स कंपलसरी है क्लास ट्वेल्थ में होना, बीकॉम ऑनर्स के लिए बिल्कुल कंपलसरी है, और इस साल इन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया है इंक्रीज करके। सिर्फ पास होना पहले ज़रूरी था, इस साल इन्होंने कहा है कि 50% से ज़्यादा होना कंपलसरी है अगर आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल होना है। चाहे आप 99% लाए हो बट अगर आपके मैथ में 50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। अब आगे बढ़ते हुए क्या हमारे पास यहां पे कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं मैं आपको वो सिखा देता हूं। देखो यार, हमारा कैसे कैलकुलेशन होती है यहां पे, मैं इसको पहले रब कर देता हूं। हमारी कैलकुलेशन होती है कि आपको पहले तो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट पिक करना पड़ेगा इंग्लिश या हिंदी में से, तो आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक पिक कर सकते हो, दोनों नहीं, आप एक पिक करोगे सब्जेक्ट और फिर आप 3 सब्जेक्ट पिक करोगे इन 4 सब्जेक्ट्स में से, तो मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स, या फिर मैथ्स में आप मैथ्स की बजाय बिजनेस मैथमेटिक्स भी ले सकते हो। तो आपको इन 4ों में से कोई 3 सब्जेक्ट पिक करने हैं जिनमें आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हो, और हिंदी और इंग्लिश में से एक पिक करना है। तो आपके यानी यहाँ पर इन टोटल 4 सब्जेक्ट्स हो गए। इन 4ों सब्जेक्ट्स की आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आपको अपनी बेस्ट ऑफ 4 की परसेंटेज पर अराइव होने के लिए। इन केस अगर आप इन 4 सब्जेक्ट में, इन 4ों में से, ये जो यहाँ गिवन है, इन 4ों में से कोई और सब्जेक्ट पिक करना चाहते हैं, आप कोई इनके अलावा सब्जेक्ट पिक करना चाहते हैं, तो आपको देखनी पड़ेगी लिस्ट बी क्या है। लिस्ट बी हमारे पास ये है, लिस्ट बी हमारे पास कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है। अगर आप उन 4 सब्जेक्ट के बजाय कोई लिस्ट बी का सब्जेक्ट पिक करते हो तो आपकी बेस्ट ऑफ 4 परसेंटेज में से 1% डिडक्ट हो जाएगी, और अगर आप जैसे 2 सब्जेक्ट पिक करते हैं लिस्ट बी में से तो आपकी बेस्ट ऑफ 4 में से 2% डिडक्ट होगी। बट यहाँ पे एक हमारा नया क्राइटेरिया आया है जो कि अच्छा है इस साल काफ़ी ज़्यादा, कि आपकी 2% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने लिस्ट बी से 3 सब्जेक्ट पिक करे हैं इन 4ों सब्जेक्ट की बजाय, तो फिर उस केस में आपका 3% नहीं डिडक्ट होगा, 2% मैक्सिमम डिडक्शन होगी आपकी। अब तीसरा जो तरीका है हमारा परसेंटेज का डिडक्शन का, वो ये है कि मानो आप कोई सब्जेक्ट पिक करते हो जो लिस्ट बी यानी इस बी में भी नहीं है, तो इस केस में आपकी 2.5% डिडक्शन होगी बेस्ट ऑफ 4 की परसेंटेज में से। अब बच्चे मुझसे बहुत सारे पूछते हैं भैया फिजिकल एजुकेशन या म्यूजिक को हम इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं इंक्लूड कर सकते, अगर आप करोगे तो 2.5% की डिडक्शन होगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देखो अगर आपके ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट अगर मानो आप कोई बच्चे हो जिनके ये मार्क्स हैं सारे सब्जेक्ट्स में, तो आपको कुछ नहीं करना, आप इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स को अपना परसेंटेज कैलकुलेट करोगे और आपकी परसेंटेज आएगी 99। सिचुएशन 2 क्या हो सकती है, जहां पे आपके पास ये सारे सब्जेक्ट है, बट इस सिचुएशन में हमारा सीन क्या है कि हमारे देखो यहां अकाउंटेंसी से ज्यादा मार्क्स है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस हमारा लिस्ट बी में लिस्टेड सब्जेक्ट है, तो इस केस में क्या होगा, आपने कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी को प्लस किया, आपने परसेंटेज कैलकुलेट करी 97.25 आई, तो 1% अब आप कैंसिल कर दोगे, 1% डिडक्ट कर दोगे क्योंकि आपने
कंप्यूटर साइंस लिया है रादर देन अकाउंटेंसी। बट इस केस में अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के देखो तो आपको एक चीज पता चलेगी कि आपको अकाउंटेंसी लेने में ज्यादा फायदा था। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अकाउंटेंसी लेते तो आपकी परसेंटेज आती 96.75, पर सीएस लेने पे आपके 1% डिडक्ट होने पे आपकी परसेंटेज 96.25 आई है। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना, हर तरीके से कैलकुलेट करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा क्राइटेरिया बेस्ट रहेगा। बट डिडक्शन का मैंने यहां पे समझा दिया है। अगर हम बीकॉम प्रोग्राम की बात करें तो एग्जैक्टली वही हमारा क्राइटेरिया है, डिडक्शन का भी वही क्राइटेरिया है और हमारे सब्जेक्ट्स भी वही हैं। बट बीकॉम प्रोग्राम में अलग चीज क्या है कि अगर आपके पास क्लास 12 में मैथ्स नहीं थी, बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं थी, तो भी आप बीकॉम प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पे मैथ्स नेसेसरी नहीं है। अब हमारा जो सबसे बड़ा चेंज आया है, जो कई लोगों के लिए बहुत दुख की चीज़ है और कई लोगों के लिए बहुत फायदे की चीज़ है, मैं वीडियो के एंड में इसको एक्सप्लेन करूंगा, वो ये है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जिसे हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कहते हैं, इसका कैसे है हमारा परसेंटेज क्राइटेरिया कैलकुलेशन का और कैसे इस साल चेंज हुआ है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो गई है। हाँ, तो हमारा देखो क्या हुआ है यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि एप्लीकेशन मस्ट हैव पास मैथमेटिक्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपने मैथ्स पास जरूर कर रखी हो, यहाँ 50% वाला चक्कर नहीं है बीकॉम ऑनर्स जैसा। बट यहाँ पे अब मेजर चक्कर क्या है, इन्होंने इस साल चेंज किया है, जो दिस इज गोइंग टू बी पेन टू मैनी पीपल। इन्होंने कहा है कि आपको एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना है लिस्ट A1 में से अपने बेस्ट ऑफ फोर की कैलकुलेशन में। लिस्ट A1 क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। लिस्ट A1 हमारी ये है, तो आप इस लिस्ट A1 में से कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज कर सकते हो अपनी बेस्ट ऑफ फोर कैलकुलेशन में। हिंदी और इंग्लिश की यहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी हमारी जो सबसे मेजर रिस्ट्रिक्शन है कि मैथमेटिक्स आपको अपने बेस्ट फोर में रखना ही रखना पड़ेगा। यहां पे मेरी दोबारा स्लाइड चेंज हो गई है। आपको मैथमेटिक्स अपने बेस्ट फोर में रखना ही रखना पड़ेगा, आपके पास इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। पहले क्या होता था, आप अगर मैथ सिर्फ पास कर गए तो आप बेस्ट ऑफ फोर में कोई भी चार सब्जेक्ट रख सकते थे। बट इस साल ये मेजर चेंज हुआ है कि भाई आपको लैंग्वेज तो एक रखना ही है, आपको मैथमेटिक्स भी रखना ही पड़ेगा बेस्ट ऑफ फोर की कैलकुलेशन में, नो मैटर आपके कितने बुरे मार्क्स हैं और नो मैटर अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट में 99% भी है तो। और कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट ऑफ टू इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट ए एंड बी। और अब क्या कहा गया है हमारा कि दो तो सब्जेक्ट, एक तो लैंग्वेज हो गया लिस्ट ए वन में से, एक मैथ्स हो गया, और अब आपको दो सब्जेक्ट आप कोई भी पिक कर सकते हो लिस्ट ए में से। लिस्ट ए हमारी ये है जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। और लिस्ट बी हमारी ये है, यहाँ से लिस्ट ए और लिस्ट बी में से आप कोई भी दो सब्जेक्ट अपनी मार्कशीट से पिक करके अपनी परसेंटेज कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आगे अब हम बात करें डिडक्शंस की, तो देखो इसमें एक आपको जो मेजर चीज देखने को मिलेगी और बहुत खुशखबरी है यहाँ पे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, अगर आपके जो बेस्ट ऑफ फोर है, इसको थोड़ा इन्होंने घुमा के लिखा है बट सिंपल वे में, अगर आपने जो बेस्ट ऑफ फोर सब्जेक्ट लिए हैं परसेंटेज कैलकुलेशन में, अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं रखा है उसमें, तो आपकी सिर्फ 1% डिडक्शन होगी। पिछले साल लगभग 5 या 4% ही, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डिडक्शन, बट इतनी थी, बट इस साल रिड्यूस करके सिर्फ 1% कर दी गई है। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी 11th 12th में, तो कोई इतना बड़ा पेन आपके लिए होगा नहीं, अनटिल एंड अनलेस आप SRCC या सेंट स्टीफंस को टारगेट कर रहे हो। और हमारा तीसरा क्राइटेरिया वही बीकॉम ऑनर्स वाला है, अगर आपने कोई सब्जेक्ट लिया है बेस्ट ऑफ फोर में जो कि लिस्ट ए लिस्ट बी दोनों में नहीं है, तो आपकी डिडक्शन होगी 2.5%। अब आगे बढ़ते हुए इंपैक्ट क्या है इसका हमारी कट ऑफ पे, मैं आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस देता हूं। मैं आपको क्लियर बोल देता हूं, सब्जेक्टिव है, मेरा व्यू है, ये वेरी कर सकता है। देखो बीकॉम ऑनर्स में क्या चेंज होगा, देखो बीकॉम ऑनर्स में टॉप कॉलेजेस में ऐसा कोई चेंज होने नहीं वाला, क्योंकि देखो एक चीज समझो यार, जो SRCC है, सेंट स्टीफंस है, या फिर जितने भी नॉर्थ कैंपस वाले कॉलेजेस है, वहां पे ऑलमोस्ट इंडिया के टॉपर्स ही एडमिशन लेते हैं। तो टॉपर्स के लिए यार एक सब्जेक्ट में 50% से अबव स्कोर करना कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो बीकॉम ऑनर्स में तो एज सच कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। बट अगर हम बात करें बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैं भी SRCC में था या फिर सेंट स्टीफंस के मैंने बच्चों को देखा हुआ है, भाई इन टॉप कॉलेजेस में बहुत बच्चे ऐसे होते थे जो मैथमेटिक्स में सिर्फ पास हुए होते थे बट स्टिल एडमिशन ले लेते थे, क्योंकि उनके दूसरे मैथ्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स में
98-99% बन रहे होते थे। बट अब ये केस बिल्कुल नहीं होगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन की कट ऑफ इस साल गिरने के पूरे चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रेस से एलिमिनेट हो जाएंगे टॉप कॉलेजेस की जिनके मैथ्स में कम मार्क्स हैं और बेस्ट ऑफ फोर में 98-99% है। तो हमारा चेंज को इस तरीका का होने वाला है इस साल। तो यार अब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, जो बच्चे दिल्ली से बाहर रहते हैं उनके लिए मैं एक काम की चीज़ बताने वाला हूँ। देखो यार, जो हमारे इस साल के स्पॉन्सर्स हैं ऑक्सफोर्ड कैप्स, वो एशिया के नंबर वन पीजी एंड हॉस्टल प्रोवाइडर्स हैं। इनके पीजीज एंड हॉस्टल इंडिया से बाहर सिंगापुर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया में भी हैं। तो अगर इफ़ यू आर श्योर कि आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा एंड यू वॉन्ट टू बुक अ फ्री विजिट टू देयर पीजीज, आप नीचे कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ स्पेशल डिस्काउंट जस्ट बिकॉज आप हमारे स्टूडेंट्स हैं। इसलिए अगर आप वो फॉर्म फिल करके जाते हैं विजिट के लिए तो यू विल गेट अ स्पेशल डिस्काउंट फॉर ऑक्सफोर्ड कैप्स। एंड वाई दे आर नंबर वन इन एशिया, यार आप देख सकते हैं फोटोज में हाउ वेल रेनोवेटेड, क्लीन एंड स्पेशियस देयर रूम्स एंड लिविंग स्पेसेस आर, प्लस बिकॉज ऑफ द सर्विसेज दे प्रोवाइड। आपको 4 times गवर्नमेंट सर्टिफाइड मील मिलेगा, 24/7 आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपके पीजी में आपकी बायोमेट्रिक एंट्री होगी, डॉक्टर ऑन कॉल, उसके अलावा सारी मेजर स्टूडेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग लॉन्ड्री, हाउस कीपिंग एंड यू विल गेट अदर फैसिलिटीज एज वेल, जिनके बारे में आप जान सकते हैं इफ यू फिल द फॉर्म बिलो एंड बुक अ फ्री विजिट टू द पीजीज।